निशांत ने उठाया 10 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस। ट्रॉफी की रेस से निशांत हुए बाहर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 का ग्रैंड फिनाले धमाकेदार अंदाज में पेश किया गया। ग्रैंड फिनाले के दिन निशांत भट्ट 10 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस लेकर 5 पूर्व विजेताओं के साथ बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए और मंच पर आकर अपने माता पिता से मुलाकात की। 5 पूर्व विजेताओं को इसी खास मकसद के लिए ग्रैंड फिनाले के दिन बिग बॉस के घर में बुलाया गया था कि वो टॉप 5 सदस्यों में से किसी एक ऐसे सदस्य का चुनाव करेंगे जो 10 लाख रुपए का ब्रीफकेस उठाकर खुद को ट्रॉफी की रेस से बाहर कर देगा। और निशांत भट्ट ने वही किया। सलमान खान ने मंच पर बैठे मेहमानों से ये अंदाजा लगाने को कहा कि कौन ब्रीफकेस उठाएगा। सभी ने निशांत के नाम का ऐलान किया और आखिर में पूर्व विजेताओं रुबीना, गौतम, गौहर, उर्वशी और श्वेता ने काउंटडाउन शुरू किया। और काउंटडाउन के बाद जैसे ही गो कहा गया वैसे ही निशांत बजर की तरफ बढ़े और निशांत ने सूटकेस उठाने के लिए बजर बजा दिया। आपको बता दें कि जो 10 लाख रुपए का बैग निशांत लेकर निकले हैं वो विनिंग अमाउंट यानी 50 लाख रुपए में से काटा जाएगा, ऐसा पूर्व विजेताओं ने घोषणा की है। निशांत भट्ट ने बिग बॉस को थैंक्स बोला और ये कहा कि उन्हें इस शो से पहचान मिली है। और बाकी टॉप 4 सदस्य यानी शमिता, प्रतीक, करण और तेजस्वी को निशांत भट्ट ने ट्रॉफी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा और वहां से निकल गए। और ये कहा कि मैंने तो झंडा गाड़ दिया है और अब मैं पार्टी करने जा रहा हूं। और इसी के साथ निशांत भट्ट का बिग बॉस सीजन 15 में सफर फिनाले के दिन खत्म हुआ। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।